पेपर ले लो भैया, पेपर पेपर ले लो भैया, पेपर भाई पेपर। आज की ताजा खबर, रोडवेज बसों की हड़ताल हुई खत्म, सरकार ने नहीं मांगी शर्तें। पेपर ले लो भाई पेपर, पेपर ले लो भाई पेपर। आज की ताजा खबर, रोडवेज बसों की हड़ताल हुई बंद, सरकार ने नहीं मांगी शर्तें। अरे भैया, ये रोडवेज वालों ने हड़ताल किस लिए कर रखी थी? अजी कुछ नहीं, सरकारी बस कर्मचारी चाहते थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो क्या हुआ, सरकार ने बढ़ा दी क्या तनख्वाह? अजी कहाँ बढ़ी, सरकार इतनी बेईमान है, नेता सारे चोर भरे पड़े हुए हैं, खुद करोड़ों का घोटाला कर जाएंगे लेकिन किसी गरीब की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। पता नहीं कब बदलेगा देश। टिकट टिकट बोलो भैया, कहाँ जाओगे भैया? टिकट टिकट लो भैया। टिकट विकेट रहने दे यार, तू ये ले 20 रुपए रख, तू भी खुश मैं भी खुश। अरे भैया ऐसा करो, मेयर से ले लो पैसे लेकिन इनकी टिकट काटो आप। अरे भैया चिंता मत करो, अपना तो रोज का काम है। भैया को लग रहा है कि मुझे बिना टिकट के पुलिस पकड़ के ले जाएगी। भैया बात पुलिस की नहीं है, बात देश की है, ठीक है ना? अखबार उठा के देखो आज का, हजारों करोड़ का घाटा हुआ है सरकार को। पता है क्यों? क्योंकि आप जैसे कुछ चंद लोग हैं वो बिना टिकट के सफर करते हैं। आप कंडक्टर को घूस दे देते हो और टिकट खरीदते नहीं हो। जब आप टिकट ही नहीं खरीदोगे, सरकार के पास पैसा ही नहीं जाएगा, तो सरकार फिर पैसे कहाँ से बढ़ाएगी इन कर्मचारियों का? आप नेताओं को चोर कह रहे हो, सरकार को बेईमान कह रहे हो, जबकि सबसे बड़े चोर तो आप हो कि आप बिना टिकट के सफर करते हो। अगर आप चाहते हो कि सरकार आपकी ईमानदारी से काम करे या देश आपका बदले, नेता आपके ईमानदार बने, तो सबसे पहले आप खुद ईमानदार बनो।